उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रसिद्ध कवि प्रदीप की जयंती पर यूपी कांग्रेस ज्योति से ज्योति जलाते चलो कार्यक्रम का आयोजन करेगी। वहीं यूपी कांग्रेस कोषाध्यक्ष और ज्योत से ज्योत जगाते चलो के यूपी प्रभारी शिव पांडे ने बताया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा को अपना समर्थन देने के लिए कवि प्रदीप के जयंती के अवसर पर ज्योति से ज्योति जलाते चलो कार्यक्रम किया जा रहा है, जहां प्रदेश के कई हिस्सों में ये आयोजन होगा। आज लखनऊ, 8 फरवरी को वाराणसी, वहीं 10 फरवरी गाजियाबाद में और 12 फरवरी को कानपुर में आयोजित होगा। लखनऊ से संवाददाता रोहित श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारा उद्देश्य है कि जो से जो जगाते चलो, जो लोग भी इस स्तंभ हैं हमारे कांग्रेस की, जिस तरीके से सरकार इसको ध्वस्त करने का काम कर रही है, हम लोगों में नई प्रेरणा नई उत्साह जगाने का काम करते हैं। हमारे साथ जो हमारी हमारे सुर संगम के हमारे एमडी साहब हैं सचिन जी, वो आए हुए हैं, उनके साथ एक टीम है, वो हमारे साथ है। हमारे कोऑर्डिनेटर हैं बंसी मिश्रा जी, वो इस कार्यक्रम को कर रहे हैं। हम सब लोगों का काम है कि नीचे तक पहुँचने का काम करना चाहते हैं। कवि प्रदीप लखनऊ की इस भूमि पर काव्य पाठ करते थे और ये लखनऊ की भूमि कवि प्रदीप के उत्थान की भूमि मानी जाती है, और इसीलिए ये एक संयोग है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में पदार्पण कर रही है, कवि प्रदीप जी की जयंती है, और ये वो स्थान जहाँ से कवि प्रदीप का कार्य मूल रूप से आरंभ हुआ था, वहाँ पर हम इस कार्यक्रम को कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अलग अलग स्थानों में भी इस कार्यक्रम का आयोजन होगा।